के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की ओर से सवाल उठाए जाने पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देश की कानूनी प्रक्रियाओं पर कोई भी बाहरी आरोप स्वीकार नहीं। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन के लिए और बढ़ाई, अब वो 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके सीएम केजरीवाल को तंग किया जा रहा है। केजरीवाल की रिमांड और सुनवाई पर उनके वकील रमेश गुप्ता ने कहा केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हिरासत में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। केजरीवाल की ईडी रिमांड पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद अदालत के सामने अपनी बात रखी है। जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था उन्हें बेल मिल गई है। शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत न मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा इस देश का एजेंसियों पर से विश्वास उठ गया है, अब एजेंसियां जो भी करती हैं लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रखी है, जब चीजें अदालत में आएंगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी यहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। चुनाव को लेकर नेताओं का मिलना जुलना है जारी। रमजान के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी नेताओं के साथ पार्क सर्कस ग्राउंड में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए।